तो KTM ने अपनी ड्यूक सीरीज को पूरी तरीके से अपडेट कर दिया है और तो कल उसका ग्लोबल लॉन्च हुआ था, उसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में स्क्रीन पे दे देता हूँ तो आप उसको देख लीजिए। बात करेंगे 390 ड्यूक के बारे में कि क्या क्या चेंजेस एक्चुअल में हुए हैं और क्या क्या इस बाइक में पुरानी वाली बाइक से बेटर है। तो पहली बार जब मैंने इस बाइक को देखा ना तो इस बाइक ने ना मुझे याद दिलाई सुपर ड्यूक की, जो 1290cc का इनका बाइक है ना, बिकॉज इसके आगे के अगर आप टैंक के इधर के पैनल देखोगे तो वो एकदम सस्पेंशन तक फ्रंट के आ गए हैं। तो इन्होंने ना ये वाला पैनल जानबूझ के बड़ा रखा हुआ है ताकि 125, 200 और 250 सीरीज से ये थोड़ी सी अलग दिखे, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा पैनल अलग है। प्लस अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर ना एक नया कलर भी आ चुका है, तो इसमें अभी फिलहाल दो कलर है और KTM को ना ऑरेंज कलर छोड़ के और कुछ कलर भी ट्राई करने चाहिए, बिकॉज वो ऑरेंज कलर देख देख के ना वो उनकी एक्चुअली एक आइडेंटिटी है, बट कुछ ना कुछ अलग ऑप्शंस होने चाहिए। तो अभी दो कलर है, एक ऑरेंज है और ये एक थोड़ा सा ब्लूइश कलर है। मुझे पर्सनली ये ब्लूइश कलर बहुत अच्छा लगा, कुछ फर्स्ट टाइम हटके दिखने में अलग, और इसका अगर आप टैंक के बाजू का जो पैनल देखोगे तो वो ग्लॉसी फिनिश में दिख रहा है, तो देखने में ना बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। तो साइड पैनल के बाजू में अगर आप देखोगे ना तो शॉक ऑफ वही है WB की तरफ से, नॉर्मल उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेक वाला जो मॉडल है उसमें एडजस्टेबल दिख रहा है, लेकिन इंडिया में एडजस्टेबल आएंगे नहीं आएंगे ये तो टाइम ही बताएगा, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में जो होता है वो जरूरी नहीं कि इंडियन मार्केट में भी वैसा हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइस बहुत मैटर करता है, तो इसकी वजह से ना ये एडजस्टेबल सस्पेंशन वगैरह ये सब चीजें ना माइनस आ जाती है। फिर आप आगे की तरफ देखोगे तो फ्रंट का जो अलॉय व्हील का डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग है, जहां पे फ्रंट डिस्क है उसके अंदर अगर देखोगे ना तो वो अलॉय व्हील का जो डिजाइन है या जो मैग व्हील है उसके अंदर आप देखिए वो थोड़ा सा हॉलो है, इसकी वजह से ना आगे पीछे के दोनों भी व्हील्स ना थोड़े लाइट हो गए हैं। ड्यूरेबिलिटी जब तक गाड़ी चलाएंगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा, बट लाइट वेट बनाने के लिए ना इस डिजाइन में चेंजेस किया हुआ है, उसको हॉलो बनाया हुआ है जिसकी वजह से उसका वेट कम हो। ब्रेक्स पहले लेफ्ट की तरफ थे, अभी फिलहाल राइट की तरफ आए हुए हैं। अब बात करेंगे फ्रंट हेडलाइट की। आगे की ना हेडलाइट का सेंटर है वो वैसे की वैसा रखा हुआ है, लेकिन उसके बाजू में जो DRL है ना वो DRL की वजह से हेडलाइट बहुत बड़ी दिखती है और फ्रंट से ना बाइक भी बहुत एक्चुअली अग्रेसिव दिखती है। ये डिजाइन फर्स्ट टाइम मैंने देखा हुआ है, तो ये दिखने में ना बहुत यूनिक दिखता है और जब भी गाड़ी रोड पे आएगी ना तो ये सबसे अलग डिजाइन रहेगा, क्योंकि इसके पहले एक प्लास्टिक का कवर आता था जो आपको 250 में देखने मिलेगा, लेकिन दिस टाइम यहाँ पे 390 में वो प्लास्टिक का कवर हटा के वहां पे इन्होंने DRL दिया हुआ है। इवन फ्रंट की तरफ देखोगे तो जो TFT डिस्प्ले है या जो स्पीडोमीटर है उसका साइज शेप भी चेंज हुआ है, वो देखने में बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, उसके एजेस शायद राउंड कर दिए हैं और डिस्प्ले भी देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। दोनों लीवर्स एडजस्टेबल है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में कुछ अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये गाड़ी ना टूरिंग के लिए बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो इसकी ना फ्यूल टैंक की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली प्रीवियस जनरेशन से। अब बात करेंगे इसके चेसी के बारे में। चेसी तो आगे वाली जैसे की जैसी है वैसे सिमिलरली दिख रही है। तो पीछे की तरफ आप देखोगे ना तो इसकी पीछे की जो फ्रेम है ना इन्होंने चेंज कर दी है, अभी ये टाइम पे फ्रेम बाहर है उसके अंदर प्लास्टिक चला गया है, तो इसको ना डिटेलिंग की जरूरत बहुत पड़ेगी बिकॉज ये गंदा होने वाला है। इसमें आप देखोगे तो छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए हैं, तो डिटेलिंग करना पड़ेगा, इसमें साफ सफाई रखनी पड़ेगी। और ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये एल्यूमिनियम का है और इसको आप इन्होंने चेसी से अलग रखा हुआ है ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो पूरी की पूरी चेसी चेंज ना करनी पड़े, उतना सा ही पोर्शन बोल्ट निकाल के आप चेंज कर सकते हो ताकि थोड़ा सा ये कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो सीट की तरफ देखेंगे जो फ्रंट की सीट है उसके ऊपर ये जो ऑरेंज वाला हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है ना ये देखने के लिए ना बहुत खूबसूरत दिख रहा है। इस टाइम में ना KTM ने छोटी छोटी चीजों पे ना बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है और डिटेलिंग बहुत अच्छे से की हुई है। ये जो सीट का जो ऑरेंज कलर का जो पोर्शन है ना वो देखने में ना बड़ा खूबसूरत दिखता है और इसको बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया हुआ है। ये सीट एडजस्टेबल है तो इसकी वजह से छोटे हाइट के जो राइडर है ना उनके लिए ये एक्चुअली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ताकि आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो।
तो पीछे वाले सस्पेंशन की तरफ आप देखोगे ना तो आपको ना बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा, बिकॉज ये एक ऑफसेट सस्पेंशन है, ये पूरी तरीके से सेंटर से राइट में शिफ्ट हो गया है, तो इसकी वजह से ना देखने में ये बड़ा कूल लगता है। और इसकी वजह से ना पीछे का जो स्विंग आर्म है वो स्विंग आर्म भी नया है। तो इस टाइम पे ना इंजिन में जो मॉडिफिकेशन किया हुआ है या जो इंजिन में अपडेट किया हुआ है उसकी वजह से ना पावर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया हुआ है, लेकिन टॉर्क में अच्छा खासा फर्क आया हुआ है। बिकॉज मैंने फर्स्ट जनरेशन भी चलाया हुआ है और सेकेंड जनरेशन भी KTM चलाया हुआ है, मुझे ये गाड़ी ना सिटी में चलाने के टाइम को बहुत तकलीफ होती है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो नया वाला मॉडल आएगा वो सिटी में स्लो स्पीड पे हायर गियर पे चलेगा। तो बात करेंगे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो क्विक शिफ्टर और स्लीपर क्लच मेरे हिसाब से वैसे के वैसे ही रहेगा। क्विक शिफ्टर में शायद कुछ अपडेट रहेगा, बट इस टाइम पे तीन मोड दिए हुए हैं, स्ट्रीट, रेन और ट्रैक। बट और एक चीज इन्होंने खतरनाक की हुई है जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, वो थी लॉन्च कंट्रोल। बिकॉज इस गाड़ी को ना लॉन्च कंट्रोल की बहुत जरूरत है। जब फर्स्ट जनरेशन नया नया आया था ना तब चलाया था मैंने, और एक्साइटमेंट में ना फर्स्ट गियर पे मैंने गाड़ी खींच ली थी, मेरे हाथ से हैंडल छूट गया था। तो इसको ना ट्रैक्शन कंट्रोल की बहुत जरूरत है, बिकॉज जब नए राइडर चलाते हैं ना तो उनको नहीं पता कि बाइक कैसे रिएक्ट करेगी, तो ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। और इसके लिए ना भाई KTM मेरी तरफ से भाई तुमको। और डिस्प्ले का एनिमेशन भी चेंज हो गया है, तो पहले वो व्हाइट कलर में था, अभी डार्क कलर में है। तो वो जो डार्क मोड बनाया है उसकी वजह से ना वो थोड़ा सा देखने में आई प्लीजिंग भी लगता है, और उसके तरफ कंटिन्यूअसली ध्यान भी नहीं जाता राइडिंग करने के टाइम पे। बट स्टिल डिस्प्ले के मामले में जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें KTM 390 ड्यूक का डिस्प्ले मेरा सबसे फेवरेट है। तो ग्लोबल वाले वेरिएंट में ना मिशेलिन के टायर है, बट इंडिया में कौन से टायर रहेंगे उसी टाइम पे पता चलेगा, बिकॉज इंडिया में मेरे हिसाब से एक आइदर MRF होगा या फिर अपोलो के हो सकते हैं। तो ये ग्लोबल लॉन्च था, इंडिया में ये ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द लॉन्च हो, शायद दिसंबर या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ये लॉन्च हो। जब लॉन्च होगी तो डेफिनेटली हम उसकी वीडियो जरूर बनाएंगे। बट ये जो नई वाली KTM ड्यूक 390 है ना, ये मुझे सीरियसली उनकी जो 1290R है उसकी याद दिलाती है। मतलब अगर इसको अच्छे से कस्टमाइज करेंगे तो बस ये गाड़ी एकदम किलर लगेगी, किलर मार्केट में। और जब भी ये आएगी ना तो ये गाड़ी डेफिनेटली मार्केट में अच्छा खासा धूम मचाने वाली है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कुछ सवाल हो तो बोलेंगे भाई 3 मैजिकल वर्ड लाइक सब्सक्राइब शेयर।